क्या है मामला यहाँ पे? बड़का गांव से जो लोग आए हैं आंदोलन कर रहे हैं काफी दिनों से, क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़का गांव गंदलपुरा पंचायत में अडानी कंपनी जिस तरह जबरन कर रही है और हमारे साथी को झूठा केस में फंसा दे रही है और जबरन नोटिस दे रही है कि आप लोग जमीन दीजिए, उसको हम लोग रद्द करवाने के लिए और उसका जो ग्राम सभा फर्जी ग्राम सभा की, इसको लेकर हम लोग विरोध को लेकर आज एक दिवसीय धरना पर हम लोग आए समरणालय में और हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो फर्जी केस करके जेल भेज रहे साथी को वो ना करे और जब जमीन रैयत नहीं देना चाहती है तो आप लोग जबरन ना करें। क्या वो ऐसा जगह गंदलपुरा पंचायत जहाँ पे जमीन अडानी लेना चाहती है वहाँ खेती होती है, साल में 4 से 5 खेती होती है, वहाँ के रैयत लोग खेती उपजाऊ करके जिंदा है, घर गृहस्थी चलाते हैं और उसी को लेकर कंपनी मनमानी कर रही है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज हम लोग पूरे साथ में आए, हमारे सभी साथी लोग इसका जिला प्रशासन को करवाना चाहिए कि कंपनी चाहे वो अडानी हो चाहे त्रिवेणी सैनिक हो जो मनमानी कर रही है उसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना देने के लिए आए। कौन लोग हैं जो लोग हैं, क्या उनको मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं या मांग क्या है? मुआवजा के लिए डायरेक्ट जमीन नहीं देना चाह रहे, जमीन को नहीं देने का काम बात कर रहे कि हम लोग का कंपनी नहीं चाहिए, अडानी यहाँ से वापस जाओ, हमें अडानी को जमीन नहीं देना, जिस तरह हम लोग खेती कर रहे उसी तरह हम लोग खेती करें। नहीं तो बाकी आधा जमीन तो लिया गया है ना? एक भी जमीन नहीं लिया गया अडानी कंपनी के द्वारा, एक भी जमीन नहीं दिया गया है, अभी हमारे भी साथी बताएंगे पूरा, अभी एक भी जमीन अडानी कंपनी को नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि अडानी जो कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र सरकार से जो मिला है और वहाँ के रैयत जो है किसी भी तरह से किसी भी कोई शर्त नहीं मानते हुए सीधा कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और जबरदस्ती वहाँ फर्जी आम सभा हो गया, ग्राम सभा हो गया, इसका हाई वोल्टेज ड्रामा विधानसभा में भी, विधानसभा लाइव टीवी के माध्यम से भी देखे होंगे और इधर भूअर्जन से जब उधर हाई वोल्टेज ड्रामा चला उसके बाद जिला जो डीसी महोदया के अंदर जो जिला भूअर्जन शाखा है जमीन से संबंधित जो अधिग्रहण करने का, वहाँ से एक लेटर निकला है 5 मौजा में, फुलांग, हाहे, बलोदर, गाली, गंदलपुरा और ये 5ों मौजा का विस्तृत पेपर में डिटेल में आया था कि आप जमीन उक्त खाते की, सारे खाते का डिटेल आया, रैयत का नाम आया कि आप उक्त खाते की जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द ले लें और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आपको कोई विरोध जताना है, आपत्ति है तो आप निर्धारित जो समय है उसका समय के अंदर आके आप आपत्ति जता सकते हैं। तो वही आपत्ति जताने के लिए आज 5ों मौजा के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं और अभी जाएंगे अंदर, डीसी महोदया को सारा पेपर के साथ सारा पेपर शामिल करेंगे जिसमें साफ लोगों का कहना है कि हम जमीन किसी भी शर्त में देना नहीं चाहते हैं, हम लोग इसका आपत्ति जता रहे हैं कि हम लोग जमीन बहुफसलीय जमीन जो है अत्यंत बहुफसलीय जमीन है उसको हम लोग देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए लोग खतियानी परिवार है, पूर्वों का जमीन जगह जो है परिवारी है, परिवार से जुड़े हुए हैं और हम लोग लड़े हुए हैं कि हम लोग के झारखंड ने कुछ मिला जाए, अधिकार मिला जाए, गरीब को काम मिला जाए, बाल बच्चा हमको रोड पर है वो भी हम लोग का मिला जाए, खतियानी मेरा है, खतियान मेरा है और को दूसरा को राज कर रहा है और हम लोग का बाल बच्चा हम लोग का घूम रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, रोड पर रो रहे हैं, इसलिए अधिकार मांग रहे हैं खतियानी से, खतियानी परिवार। जो सरकार का जो अंदर खजाना है वो तो निकालेगा ना, कोयला निकालेगा? नहीं, खतियानी का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, लेकिन हम लोग खतियानी परिवार परिवार है। कोयला जो है वो तो सरकार का है, सरकार का संपत्ति है आपका जमीन में, तो निकाल के तो आपको पैसा दे ही ना, कहाँ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, हम लोग रोड कोयला दिया रोड़ी देवे नहीं करते हैं जलाने के लिए, अपने चीज है तो अपने खरीद के हम लोग खाते हैं।